प्रदर्शन लगातार जारी है, सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। और वहीं श्रीलंका में हिंसा में अब तक 8 लोगों की मौत की भी खबर है और अब तक 200 लोग घायल हो चुके हैं। सबसे बड़े आर्थिक संकट से इस वक्त श्रीलंका गुजर रहा है, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और ऐसे में आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हिंसक प्रदर्शन जारी है। सरकार के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए हैं और जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस हिंसक झड़प में 8 लोगों की मौत अब तक हो गई है जबकि 200 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। प्रदर्शन को देखते हुए गुरुवार तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। हिंसा के दौरान कई राजनेताओं के घरों पर हमले की खबरें सामने आ रही हैं और श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट के बीच महिंद्रा राजपक्षे ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हालात अब बिगड़ रहे हैं क्योंकि लोगों में गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में लगातार कई तरफ उनकी ओर से आगजनी की जा रही है और सड़कों पर लगातार प्रदर्शन लोगों द्वारा किए जा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देखिए, जो वहाँ स्थानीय सुरक्षा बल है उसको वहाँ पहुँचना पड़ा है। कर्फ्यू के हालात के बावजूद भी ये प्रदर्शन अब भी जारी है क्योंकि लोगों के बीच बहुत ज़्यादा गुस्सा है और खाने पीने के सामान की किल्लत भी हो चली है श्रीलंका में। श्रीलंका को 30 महीने में कंगाल करने वाले राजपक्षे परिवार पर वहां की जनता का गुस्सा फूट पड़ा। भड़के लोगों को शांत करने के लिए महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उनके गुस्से की आग में श्रीलंका जल उठा। राजपक्षे परिवार ने 30 महीने में लंका को दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। लोग भूखों मरने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने महिंदा राजपक्षे का घर फूंक दिया। वहां के एक पूर्व मंत्री की कार को तो लोगों ने बीच सड़क पर घेर लिया और उसे गिरा दिया। सरकार से नाराज लोगों ने न महिंदा राजपक्षे का घर बख्शा और न उनके रिश्तेदारों का। वो सड़कों पर निकले और उनके सामने राजपक्षे परिवार से जुड़ी जो चीज आई उसे फूंक दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो लंका दहन हो रहा हो। पिछले कुछ महीनों से श्रीलंका के लोगों की ऐसी हालत है जिसे देखकर तरस आता है। वहां के लोगों का मानना है कि इसके लिए केवल और केवल सत्ता में बैठा राजपक्षे परिवार जिम्मेदार है, जिसने दीमक की तरह वहां की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया और जमकर लूट खसोट और श्रीलंका को कहीं का नहीं छोड़ा, जिससे भड़के लोगों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के घर के बाहर प्रदर्शन किया। खबर आई कि लोग उनके आवास पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और जब पुलिस ने उन्हें रोका तो बात बढ़ गई और देखते ही देखते लंका आग की लपटों में जलने लगा। पुलिस ने लोगों पर पानी की बौछार की, डंडे बरसाए, लेकिन वो नहीं रुके। आग बबूला लोग पुलिस से उलझ गए। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के घर के बाहर जुटे बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन प्रदर्शन नहीं रुका। लोगों को जो दिखा उन्होंने उसे आग के हवाले कर दिया। इस बीच खबर आई कि महिंदा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन लोगों का कहना है कि इतना काफी नहीं है क्योंकि वहां की जनता गोटाबाया समेत पूरे राजपक्षे परिवार को सत्ता से बाहर करना चाहती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि श्रीलंका की ये दुर्दशा केवल और केवल राजपक्षे परिवार की वजह से हुई है। ब्लूमबर्ग ने इस पर एक रिपोर्ट भी लिखी और बताया कि कैसे 30 महीने में राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका को दिवालिया बना दिया। रिपोर्ट में लिखा गया कि 2019 में सत्ता में आने के बाद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने टैक्स में भारी कटौती की। उनका यह कदम सियासी नौटंकी कहा गया। खुद उनकी सरकार के वित्त मंत्री ने इसे खतरनाक बताया और सरकार की लापरवाही बोला, क्योंकि राजपक्षे सरकार ने वैट को 15% से घटाकर 8% कर दिया, जिसके बाद सरकार को मिलने वाला रेवेन्यू कम हो गया। नौबत ये आ गई कि श्रीलंका ऐसा देश बन गया जहां सरकार को सबसे कम रेवेन्यू मिलता है और ये तब है जब श्रीलंका वर्ल्ड बैंक और चीन जैसे देश का कर्जदार है। नौबत ये आ चुकी है कि वो कर्ज की किस्तें भी नहीं दे पा रहा। विदेशी मुद्रा भंडार तो 70% तक गिर चुका है, मतलब ये कि श्रीलंका के पास दूसरे देशों से सामान खरीदने के लिए रकम ही नहीं और इसीलिए वो आयात नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से श्रीलंका में सामान के दाम आसमान छू रहे हैं। और उधर रूस और यूक्रेन में भी भीषण जंग लगातार जारी है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। डोनबास में जारी जंग के बीच एक हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक चेचन लड़ाके ने अपने दोनों हाथों में हथियार लेकर फायरिंग की। और ये वीडियो पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने जारी किया है, जिसमें डोनबास के एक जंगल में वो चेचन लड़ाका अपने हाथों में दोनों हाथों में से अंधाधुंध गोलियां बरसाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। इस दौरान वो एक ही जगह पर खड़े न होकर अपनी पोजिशन भी लगातार बदलता नजर आया। बाद में उसने जमीन पर बैठकर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की है। यूक्रेन के सैनिकों ने जंग में रूसी फौजियों को कैसे चकमा दिया, इसका एक वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूस का एक सैनिक यूक्रेन के ठिकाने पर हमला करने के इरादे से आगे बढ़ता नजर आया, जिसके हाथ में रॉकेट लॉन्चर दिखाई दिया।
वो धीरे धीरे बड़ी सावधानी से यूक्रेन के ठिकाने की तरफ बढ़ता गया। दूसरी तरफ यूक्रेन के सैनिक उसे नजरअंदाज करते रहे। उसे लगा कि वो आसानी से यूक्रेन की टुकड़ी पर हमला बोल देगा, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि ये सब यूक्रेन के प्लान का हिस्सा था। जैसे ही वो सैनिक तय दूरी पर जाकर रुका, उसकी हर हरकत पर नजर बनाए यूक्रेन के एक ड्रोन ने वहां मिसाइल गिरा दी।